शहनाज, आयजा की तबीयत कैसी है? वो डॉक्टर दे कोल लेके गई सी ओनू, दवाई भी ले रही है मगर आराम नहीं आया, उन्हें फिर लेके जाना पड़ेगा डॉक्टर दे कोल। तो चल फिर मैं आयजा से मिलकर आती हूँ। ओ अभी बैठ जा, तू अभी तो आई है, आयजा की तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही है। इसीलिए अब के मैं भी दिलावेज को साथ ले आई, ना पिछली दफा छोड़कर आई थी, देखा था ना क्या अंजाम हुआ। अच्छा किता जो दिलावेज वो अपने नाल ले आई है। हाँ मैं ले आई भाई, कि वो भी आयजा की आदत कर ले। अच्छा किता, मगर दिलावेज नु डॉक्टर दे कोल ते लेके जा रही है ना? हाँ मैं खुद लेके जाती हूँ। बहुत अच्छा करनी, सब कुछ ठीक थे है ना? अल्लाह का शुक्र सब नॉर्मल। बहुत अच्छा, मगर एक गल दस, डॉक्टर जो कह रहे है ना राजदा, उन्हें वही खिलाया पिलाया कर। मैं इतना ख्याल रखती हूँ उसका, कोई भूखा थोड़ी मारती हूँ, जो डॉक्टर कहता है सब खिलाती हूँ उसको मैं। अच्छा करनी है, पहला बच्चा उसका ख्याल रखिया कर। राजदा बड़ी चलाक औरत है। जी बीजान, और ये आपकी समझ में अब आया है, अब तो उसे मेरे मत्थे मार रही थी, उसी की वजह से आपने मुझे घर से निकाल दिया था। उस वक्त तक उसकी चलाकियां मेरे सामने नहीं आई थी। माँ बेटी का इस तरह अचानक आ जाना भी जान किसी खतरे से खाली नहीं है। फातिमा ने तो नहीं किसी को बताया? उसकी इतनी मजाल नहीं है भी जान कि मलिक अरबाज के हुक्म की नाफरमानी करे। शबाज, तूने आयजा को समझा दिया है ना कि किसके साथ क्या करना है? जी बीजान, मैंने उसे समझा दिया। क्या बात है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना शहबाज? जी बीजान, तबीयत कुछ बोझल बोझल सी है। तू जा अपने कमरे में जाके आराम कर। जान एक बात बोलू, मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा भी जान, शहबाज इस शादी से खुश नहीं लगता मुझे। ये तो हो नहीं अरबाज, तेरा नसीब। मेरे अपने भतीजे ने मेरी बेटी के साथ ऐसी घटिया हरकत की है कि मैं अपनी बेटी से आंखें नहीं मिला सकता। जब बस चले तो मैं उससे फांसी पर लटका दूं। बेटी की इज्जत खो जाने के दुख से ज्यादा तकलीफ है तो नहीं होगा फांसी पर लटकाना। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर आज आप लोगों ने इसको छोड़ दिया तो कल ये बेचारे किसी और के साथ नहीं लड़ सकते। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरे पास नहीं रहूंगी। मैं तेरे पास नहीं रहूंगी। हां अच्छा अच्छा, गुनाह हो गया मुझसे, मैं तेरा गुनहगार हूं। मैंने फैसला किया है कि मिलान की शादी आयजा से कर दी जाए।
मीदान ने जो गलती की उसकी सजा दे तो रहे हैं हम उसे। मीदान ने उसके बाद उसने प्लानिंग की। आ जाओ बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। देखो देखो प्लीज मेरी बात मान लो। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें। आ जाओ बेटा, मैं तुम्हारे मुजरिम बन जाता हूँ। तुम्हारे मुजरिम बन जाता हूँ। मुजरिम वो है Dad? पीजा, डैड को कुछ हो गया है। वो क्या हुआ है डैड? होती है वो ऐसा। क्या हो गया ऐसा? रुट ऐसा मारे मंगा। अच्छा सर पीजा, वीरान डैड कैसे हैं? डैड कैसे हैं? वीरान मैं तुमसे पूछ रही हूं, डैड कैसे हैं? वीरान डैड कैसे हैं बताओ। चाचा मर गया। आयता पुत्र सबर कर, मेरा पुत्र सबर। शाजमा बोल, क्या बात है? अरे राजदा बीबी, आयजा बीबी की तबीयत का तो आपको पता था ना? हाँ, तो क्या हुआ उसे? अब उसे कुछ नहीं हुआ है, किसी और को हुआ है। किसी और को? किसको? मलिक शबास को। क्या बक रही है तू? क्या हुआ है मलिक शबास को? हाँ राजदा बीबी, मलिक शबास को ना वो जो दिल का मर्ज होता है ना, वो हार्ट अटैक, वो हुआ है। क्या हार्ट अटैक? मुझे ना अभी सकीना ने बताया है कि मलिक शबास को ना अस्पताल लेके गए। दिलावेस जल्दी चल बेटा, जल्दी तैयार हो जा, चलते हैं। अम्मा क्या हो गया है, इतना घबराई हुई क्यों और कहाँ जाना है? अरे वो भी शाजमा की कॉल आई थी। अच्छा क्या है खबर दी है? मलिक शहबाज को हार्ट अटैक आया है। क्या चाचा जी को हार्ट अटैक आया है? हाँ ना, उसे अस्पताल लेके गए। और अम्मा आप खुद भी वहां जाना चाह रही हैं और मुझे भी लेके जाएंगी, क्या कहेंगे उन लोगों को आप? अरे कह देंगे ऐसे मिलने का दिल चाह रहा तो चले आए। अरे अम्मा हम यूँ अचानक जाएंगे तो उन लोगों को शक नहीं हो जाएगा? होता है तो हो जाए, पर हम जाके वहां देखें तो कि उस घर में क्या चल रहा है। चल जल्दी चल, हम लोग चलते हैं। अम्मा मेरे कपड़े? छोड़ तू कपड़े वपड़े बदलना, चादर ओढ़ ले, बस चल जल्दी से चलते। आजा शाबाश, जल्दी उठ जा।
बोले। रोले पुत्र, दिल हल्का हो जाएगा, ये आंसू जहर बन जाएंगे, वरना दिल चीर देंगे तेरा। रोला पुत्र रोला। आयशा पुत्र पानी पी। जैसा की मौत का हम सबको अफसोस है, हम सब तेरे साथ हैं। जिशान कहाँ है अभी तू? क्यों, क्या हुआ? लगता है तुझे कुछ खबर नहीं। ओ खैर तो है, बताना पहलियां क्यों पूछ रहा, यार सीधी सीधी बात कर। यार वो आयशा के वालिद है ना मलिक शहबाज, उनको हार्ट अटैक हुआ है। तो फिर? वो इंतकाल कर गए हैं। ओ इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। यार बड़ा अफसोस हुआ सुन के यार। वैसे तेरे पास अच्छा मौका है ये अफसोस करने का। क्या मतलब? मतलब ये कि उनके घर चलते हैं तजियत के लिए। क्या मेरा जाना ठीक होगा वहाँ पे? यार मैयत का घर है, कोई बुरा नहीं मानेगा। लेकिन तुझे तो पता है ना यार, मेरा उस घर से क्या रिश्ता है। इसीलिए तो कह रहा हूँ मैयत का घर है, शायद तुझे देख के किसी का दिल पिघल जाए। ओ यार तू मेरान को नहीं जानता, आजकल बदमाश बना फिरता है वो। यार आज के दिन कोई बदमाशी थोड़ी करेगा। और वैसे भी मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, आ जा, मैं चौक पे तेरा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है यार आतिफ, देख ले सब ठीक हो। आ जा। चल तू इंतजार कर, मैं आता हूँ। है ओके जी।
क्यों आया भाई? शहबाज चाचा की डेथ का पता चला था, मैं तो अफसोस करने आया हूँ। किस रिश्ते से? मेहरान भाई, वो मंगनी खत्म हुई है ना उसकी, जिशान की खानदानी रिश्तेदारी तो बाकी है। कोई रिश्तेदारी विस्तेदारी नहीं है अब तुम्हारे साथ, सारे रिश्ते नाते टूट गए हैं। ओ मेहरान भाई, मेरी बात तो सुन ले। और मैंने कहा ना, चलो यहां से लेके जाए ना इज्जत के साथ।